मैडम खुद मेरे हस्बैंड को छेड़ती है, ना कि मेरे हस्बैंड छेड़ते, क्योंकि वो सारे स्टाफ महिलाओं का है। मैडम का नाम है मंजू अजमेरा और प्रिंटिंग के लिए बोला था, वो मैटर वहीं क्लोज हो गया था। बोले उन मैम ने प्रिंटिंग के लिए मना कर दिया, सहायक है वो, टीचर नहीं है, उन्होंने प्रिंटिंग के लिए मना कर दिया था। तो पापा ने बोला कि ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, ये स्कूल का काम है, प्लीज़ आप इसे कर दीजिए। इसी बात पे उन दोनों का विवाद हो गया और ये विवाद स्कूल के अंदर ही ख़त्म हो गया। बोले उसके बाद है ना, प्रिंसिपल ने जब सब ख़त्म कर दिया, उसके बाद नंदकिशोर जी जोशी उन्होंने ये चीज़ वायरल की बेबुनियाद तरीके से। बोले मेरे पापा को ये पता भी नहीं था कि ये सब वायरल हो रहा है। 6 तारीख को ये वायरल हुआ और 9 तारीख को ये बात मेरे पापा को पता चली। मेरे पापा ने जाके उनसे पूछा कि तूने ये ऐसा क्यों किया, जब मैटर सारा ख़त्म हो गया था, उसके बाद तूने ये कदम क्यों उठाया। क्या आरोप लगाया? बोले आरोप लगाया कि टीचर्स स्कूल के अंदर टीचर्स को मेंटली टॉर्चर करता है और है ना, काम टाइम पे नहीं करते हैं और यूं बोलते हैं कि है ना, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, छेड़ते हैं टीचर्स को। क्या आप फिर अब क्या चाह रहे हैं, अब क्या मांग रहे हैं? मैं चाहती हूं कि मेरे पापा को इंसाफ मिले, निष्पक्ष जांच हो इस मैटर की। तो आपने मामला दर्ज कराया, निष्पक्ष जांच नहीं लगी आपको? मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच हुई, क्योंकि उसने है ना 9 तारीख को जब हमने SC ST केस लगाया, सरपंच पति ने हमारी कास्ट की महिलाओं को बहुत ही गंदी गालियाँ दी, तो हमने SC ST केस लगाया और उन टीचर्स ने भी गालियाँ दी थी। उसके अगले दिन उस नाइट में सरपंच ने मेरे पापा को धमकी दी थी कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा, मैं तुम्हारी 12 बजा दूँगा, थाने वालों को भी देख लूँगा कौन है मेरे खिलाफ, क्या कर सकते हो तुम। और उसके अगले दिन उसने आके यौन शोषण का आरोप लगाया और आपका विज्ञापन दिया। मैं चाहती कार्रवाई होगी, मुझे पता है मेरे पापा अकेले रह गए, मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो गुनहगार है उन्हें सज़ा मिले। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर, मेरा नाम अंजलि उदय, मैं उनकी बेटी लगती हूँ। तो दिलीप राठी सरपंच पति दिलीप राठी ने स्कूल को राजनीति बना दिया है कुल मिला के। मैं चाहती हूँ ये सारा खत्म हो और मेरे हस्बैंड से सारा वो हटाए, जांच हो उसकी, वो सब बेबुनियाद है। मैडम खुद मेरे हस्बैंड को छेड़ती है, ना कि मेरे हस्बैंड छेड़ते, क्योंकि वो सारे स्टाफ महिलाओं का है, सिर्फ मेरे ही पति एक वो है जेंट्स वाले। तो आप ये बताओ जेंट्स ऐसा कर सकेंगे क्या?